तो हम करीब 2 घंटे तक बात करेंगे, और बीच में अगर चाय वगैरह आती है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि हम लोग यहीं बैठे रहें और क्लास की तरह करें इसको। मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग बात करें। क्लास की तरह करने की मुझे आदत भी नहीं है और मुझसे होता भी नहीं है। मैंने कभी पढ़ाया वढ़ाया कभी नहीं, तो मुझे बिल्कुल उसकी आदत नहीं है। जितनी हम लोग बातचीत करेंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे सब लोग कहाँ कहाँ से? सब दिल्ली से ही है? अच्छा, कहाँ कहाँ से है? कुछ लोग हैं, आप लोग कहाँ से? कानपुर से। बहुत बढ़िया, कानपुर में रहा हूँ 5 साल। और कहाँ से लोग हैं? सहारनपुर। आप? बिहार से। आप लोग? इलाहाबाद से। तो उत्तर प्रदेश से लोग हैं और बिहार से लोग हैं। और कहाँ से? दिल्ली से भी लोग हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, और आप लोग? मैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग काम? हाँ जी, एमपी से भी है। बहुत बढ़िया। कहाँ से है? अच्छा, तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं, कुछ मुझे थोड़ा सा आइडिया देंगे? अच्छा, कहाँ पे? इलाहाबाद। बहुत बढ़िया। और आप दोनों वहीं से? अच्छा, तो ये जो आप लोग काम करते हैं, सस्ता भी आपने करते हैं या अकेले करते हैं? कैसे? अच्छा, सस्ता कौन सी? काफी कवरेज भी है उसके साइड पे। अच्छा, आप लोग? मैं महिला मुद्दों पे काम करती हूँ और विशेष करके महिला सशक्तिकरण और जो ग्रामीण के साथ बहुत बढ़िया। तो आंदोलन में मैं जा रही थी। बहुत बढ़िया। तो मतलब कर रहे हैं वैसा वाला आंदोलन कि उससे बड़ा? नहीं, और ये जो आंदोलन बड़ा करना होता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रचार करना, लोगों तक बात पहुंचाना। और जितनी जितनी ज्यादा इफेक्टिवनेस, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रभावशाली, जितनी ज्यादा प्रभाव के साथ उसको पहुंचा सकते हैं उतना ज्यादा आपका आंदोलन जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग गांधी समिति में है अभी, तो गांधी जी ने क्या इस्तेमाल किया? गांधी जी ने 2 चीजें इस्तेमाल करी। एक, जो हमारे देश का रेल रेल विभाग जो है, तो अंग्रेजों ने एक काम बहुत गलत किया, उन्होंने रेल को सारे देश में फैला दिया। तो जब गांधी जी को अपनी बात फहरानी थी तो उनको ट्रेन में बैठना था और जहां जहां ट्रेन रुके वहां वहां को पकड़ लेने थे। तो प्रचार जो है वो बहुत जरूरी चीज है। तो गांधी ने एक इस्तेमाल किया रेल का, दूसरा क्या? रेडियो। रेडियो पे बात जो है सब तक पहुंचती है, क्योंकि रेडियो जो है सस्ता माध्यम, हर किसी की बात हो सकता है। तो एक आप एक बार बोलेंगे वो करोड़ों लोगों को सुनाई देगा। तो ये जो ऐसे तरीके जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट के साथ ये फायदा होता है कि आप अपनी बात एक बार बोलते हैं और बहुत से लोगों तक पहुँच जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आंदोलन आंदोलन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कैसे आंदोलन को कैसे हम फैलाते हैं। तो इसे अन्ना हजारे का भी आप देखते हैं कि इसकी बात जो फैली है वो कैसे फैली है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे।